Sava Twang Vichi Note Saradu Dasae Sadhu Jat Sat Sarasi Jo Dara ते आसोल कदा असिका वरदनी नतो ने हम के बध पीसा जलात बयान प्याल रा कसा भयात रिसभ्यते भयम् राक्षितामो तव कथामृतम् ताप्त जीवन कवि विरीतम् श्रवण मंगला श्रीमदा तथा भूवि गृणन्ति ते जब उन्होंने गोपी गीत गाई कृष्ण मन्मथ के मन्मथ रूप लेकर प्रकट हुए बोले क्यों क्यों प्रकट हुए हैं कहते जो लास्ट इसमें जो श्लोक है ना श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती दो रूप में व्याख्या किया ये अन्वय और एक व्यतिरेक मतलब एक तरफ में तो प्रशंसामय लेकिन दूसरे तरफ में कृष्ण को व्यजस्तुति रूप में व्यजस्तुति ना व्यजस्तुति रूप में उसमें किया है लेकिन जैसे एक अर्थ देखो कैसे एक श्लोक को दो अर्थ लेकिन जो दूसरी अर्थ है ना वो बड़ा बड़ा प्रेममय है जैसे एक अर्थ बोले तब कथामृतम एक अर्थ है हे श्याम सुंदर तेरी जो कथा अमृत है लेकिन जब उसको दूसरे रूप में हाँ कृष्ण को जब उल्हाना दे करके बोले कौन कहता है कृष्ण कथा अमृत खबरदार कृष्ण कथा का सुनना नहीं जो सुनेगा वो मरेगा जो सुनेगा मृतम वो मरेगा जैसे आप लोग मर रहे हो कहाँ घर में एयर कंडीशनर रूम में रहते थे देखो रशिया फ्रांस और जर्मनी से श्री हमारे श्री बनवार सबको पागल बना करके हाँ पागल पागल बना करके चलो वृंदावन चलो वृंदावन चलो सब बनवार जो पागल बनाए हाँ फिर नंगे प्यार में कहाँ आनंद से रशिया में चाइना में रहते थे लेकिन इनको पागल बना करे बोले कृष्ण कथा बड़ा मीठा है हाँ अमृतम अमृत है ना अमृतम जो कथा सुनेगा ना वो मरेगा ना घर का ना घाट का हाँ इसलिए जो सुने देखो इस संन्यास ले को देखो कहाँ आनंद में लिखाई पढ़ाई किया एमए पीएचडी और तीन तीन पीएचडी किया और पीएचडी करके क्या कर रहे बस राधे राधे बोलो वृंदावन में डोल इसे पागल होकर घूम रहे लोग दुनिया में इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया कृष्ण कथा मत सुना करो सुनोगे ना मरोगे इसलिए तब कथा मृतम दूसरा अर्थ तब तप्त जीवनम कथा जो सुनेगा उसका उत्तप्त जीवन शांत हो जाएगा गोपियां कहते कौन कहता है शांत हो जाएगा तब तक हम संसार में प्रेम से रह रहे थे जब तक हमने कृष्ण कथा हमने नहीं सुनी जब से हमने कृष्ण कथा सुनी ना हमारा हृदय उत्तप्त हो गया कृष्ण प्रेम में पागल हो गए हाँ बनवन में हम घूम रहे बनवन में हम घूम रहे हैं इसलिए उन्होंने जो एक अद्भुत उन्होंने जो अर्थ किया है अद्भुत रूप में इसलिए उसमें कृष्ण को जो ताना जैसे पत्नी कृष्ण कहते ना प्रिया यदि मान करे करे भरसन वेद स्तुति है ते मोर मन हरे मन मन
वेद मेरे को स्तुति करते हैं, उसमें जो मन हरण नहीं कर पाते, लेकिन जब मेरे प्रिया गोपियां मेरे को जब हाँ लंपट और ध्रुत बोलकर गाली देते हैं ना, मेरे को बड़ा आनंद लगता है। इसलिए गोपी गीत गाने पर कृष्ण क्यों बीच में प्रकट हुए, कारण है इनकी ताना मारते हुए कृष्ण को भजन गा रही थी। और जो लास्ट का जो भजन था ना, जत्ते सुजात चरण ब्रूहम सने तु, ये जो श्लोक बड़े मर्मांतिक था। बोले हे श्याम सुंदर, जिस चरण को हम बख्य स्थल में रखने के लिए हमें कष्ट लगता है, तुम उसी चरण को कहां जंगल में कंकड़ और वहां पर हाँ कांटा, उसमें कहां कहां तुम भ्रम कर रहे हो, तेरे दुख को हम सोच सोच करके हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है। उनने जो विरह की जो भजन गाए ना, कृष्ण को रहा नहीं गया, फिर तो कृष्ण को बीच में प्रकट होना ही पड़ा। जब प्रकट हुए, कोई उनको चरण पकड़ लिए, कोई उनके हाथ गलबहनिया, कोई तांबुल मांगे, लेकिन कुछ जो सखियां थी ना दूर से खड़ी होकर पास में नहीं आ रही थी। लेकिन एक गोपी थी बड़े दूर से, एका भ्रुकुटि माबाध्या प्रेम संवृत भी होला, एक गोपी तो बड़े तिरछी नजर से तीर जैसे मारते है ना, बड़े क्रोधित होकर दूर से देख रही थी। इतने में यहाँ पर श्री हमारे सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने बताया नहीं ये कौन कौन, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी सारी बात को बता दिए। सनातन गोस्वामी कहते ये चंचल सखी ने बता दिया, बट जो चरण पकड़े हाथ पे गलबहनिया कौन है, बल्कि ये सब के सब कृष्ण पखिया, ये चंद्रावली पद्मा आदि। लेकिन जो दूर में खड़ी होकर देख रही थी आई नहीं, बल्कि ये ललिता विशाखा आदि। बल्कि जो एका भ्रुकुटि माबाध्या, एक जो सखी बड़े तिरछी नजर से कृष्ण को जो तीर मार रही देख रही थी, क्रोधित होकर के, कृष्ण का नजर और कहीं नहीं केवल उसको तरफ में, कृष्ण केवल। इसलिए दूर में जो ललिता विशाखा खड़ी थी राधा रानी की सौभाग्य को देख रही थी, भले ही हाथ पकड़ प्यार पकड़ भले ही तांबुल मांगो, लेकिन देखो देखो तो सही हमारी श्याम सुंदर किधर देख रहे हैं, केवल श्री राधा रानी को तरफ में देख रहे हैं और किसी का प्रति नहीं। मतलब है सबसे कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम में बांधने वाले बसीभूत करने वाले कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। यहाँ पर ये सब लीला हुई, इसलिए ये स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान हम लोगों के लिए है। इसलिए हम लोग यहाँ चरण धूल लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे यहाँ का चरण धूली दिव्य अपराकृत, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ उनकी गोपी गीत रास लीला वहीं पर हुई है। यहाँ की एक धूल भी हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती है। बच्चा कल दुर्भ्य कृपा सिंधु भाई बच्चा पतिता नंग पावने को वैष्णव जरवलुदीन बसुन 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 আপনারা তো বাংলা আর হিন্দিতে শুনলেন, এরা অনেক দূর থেকে এসছে, একটু ইংরাজিতে না বললে তো মন খারাপ হবে, একটু ইংরেজি সংক্ষেপে বলে দিই। হ্যাঁ, আপনারা সবাই বসে বসে শুনবেন। বাই কসলেস মার্সি অফ শ্রী গুরু অ্যান্ড বৈষ্ণবস আর অ্যাসেম্বলড কল শৃঙ্গার বট ইন দিস ভেরি কলিযুগ শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু কেম প্রায়র টু মহাপ্রভু অ্যান্ড সিটস আন্ডার দি সেম বেনিয়ান ট্রি, সো হিল কল নিতাই বট অলসো। During Ras dance, all Braj Gopis, they are thinking Krishna love me more than anyone. Because Krishna is so clever, he tell each and every Gopis, but separate, separate. Believe me, I love you more than anyone. It mentioned, telling in Braj, Bholi Gopi Radhe Radhe. The Gopis are very simple hearted and innocent. They thought, oh, Krishna love me so much. And why Krishna make Ras dance with all gopis? Srila Rupa Goswami Pad showed in his Bhakti Samhita Sindhu. But Braj gopis, they request Krishna, Agharipu Jugmibho Anitta Kurumayaiva. Oh, the enemy of Aghasur, only you can make dance with me. Krishna, well, so be it. So now, when Krishna played on flute, he called all gopis from different places, all they came. When Krishna dancing with all gopis became very, very happy. They became so bhagyama that, oh, I am the most fortunate. They never noticed that Krishna is dancing with other gopi also. Only Srimati Radha Thakur noticed that Krishna behaving same with me and others. The Radhika became sulky. Oh, I am equal to everyone. Okay, Srimati Radhika, depart from Ras dance. Then when Radhika is not there,
Radhika is the excel of Ras dance. So Radhika is not there, then how is possible Ras dance continue? Krishna also depart from there. So when Sriman Mahaprabhu went to South India, then Ramananda Rai giving this example, Mahaprabhu told, oh, due to fear of gopis, Krishna stolen Radhika from here. If Krishna will give up all Braj gopis in front of everyone and took Radhika and go away from there, then I think Radhika is more fortunate. Then Ramananda Rai give example, Kamsaridopi Sangsara Basana Baddha Srinkalam Radha Madaya Hidaye Tattaja Braja Sundari. In front of all gopis, he took Radhika and gave up that place. So all gopis are searching, Hare Krishna, Hare Krishna. Sridhar Maharaj told three types of gopis, no, four types, Sapaksha, Vipaksha, Tatastha, Sridhpaksha. All four types, they are serving lotus feet of Krishna. They know auspicious mark of Krishna, but they don't know Radhika. So only Sapaksha gopis, they know this. What happened? But Sridhar Maharaj is not telling wrong. What is telling? That other than Sapaksha, three parties are there. So he keeps Sapaksha in behind. Why? Because they knew Radhika's Charan Chinna. So when they are searching for Krishna, and no one searching for Radhika, so Krishna, what happened? He came and searched Radhika. Radhika, don't touch me, don't touch me. Mass precious. Radhika Salpi going very fast. The case was, hair was spread here and there. It stuck to it, thrown. Radhika could not go, got stuck. So what happened? Krishna caught her and untied her hair from the throne. Then they came and Krishna came here and pick up flower and decorate Radhika's hair. When gopis are searching, then they search, oh, there is Krishna's lotus feet marks. In between there is another feet marks, but little smaller, must be any lady. They are telling, Anaya Radhito Nunam Bhagavan Haridishara Iyanno Vihaya Govinda Pritoyam Anayadraha. Anaya Radhito Nunam, must be this lady serve Narayan. So by the grace of Narayan, Krishna taking her, give up all of us. And Lolita Visakha and our Manjaris, they also very clever. They want to do Abahitha, means they want to hide their mood. So they are uttering same slope. But that means it does not know. But they know. Knowingly, they are telling this, they could not understand their inner mood, inner heart. In Krishna's lotus feet, Sridhar Maharaj is telling there are 19 auspicious marks. Krishna's under lotus feet, the right feet under big toe, disc, under middle toe, lotus, below lotus, flag, under small toe, goat, below goat towards hill is thunderbolt, joint of big toe, barley, and one from the middle of his sole is coming towards second toe called Urdhva Rekha, below that, Astogan, in four side of Astogan, four swastik, and beside that four swastik, four jambu fruits. And left feet, under big toe, consul, under middle toe, amber, below consul, bow, under bow towards middle is cow hoop, below that triangle, beside four side of triangle, four pitcher, below that half moon, below that fish. So, Srila Gurudev and Vishwanatha Thakur and other acharyas, they are commenting there. If someone wake up morning, do pranam guru and guru parampara, then meditate upon all auspicious marks, you can get very good result. You can practical by your own, then understand. If someone meditate about this, we have six mundane enemy. What is that? Mundane lust, anger, etc., kam, krodh, lobh, moha, matsarja, then Krishna will control them completely. Under middle toe, there is lotus. Lotus what? Bumblebee is too much attached for lotus flower. The lotus bumblebee can deal the very hard wood, but when he is sitting on the lotus flower, sun became set, the battle covered the bumblebee. Bumblebee could not make deal to come out because due to attachment. Same way, if someone meditate upon lotus of Krishna's lotus feet, what will be? Krishna will capture our mind like bumblebee capture the
bumblebee, the lotus capturing, Krishna will capture our mind, mind will not go here and there. Though mind is fickle mind, it will not go here and there. Below that is what? It's a flag. If someone meditate upon that every single day, then Krishna will destroy us own unearth, our unearthas and make us victorious. There are so many challenges, I am not going there. When Srimati Radhika got love and affection of Krishna, then Radhika called Satantra Naika, Sadin Bhartrika. Sadin Bhartrika means when any heroine completely captured her hero, then called Sadin Bhartrika. When hero is under his control, what he is telling, hero making dance, but only this is for Krishna and Braj Gopis, not for mundane hero and mundane heroine. After that, they are searching, and then the gopis are searching for Krishna, and Radhika and Krishna heard some noise. Oh, Radhika thinking, oh, all gopis serving for me and helping me for Krishna's service, I'll be with Krishna alone, not good. So when Krishna getting some noise, Krishna telling, oh Radhe, let us go, hurry up, hurry up. If they will saw you, they will jealous towards you. Radhika called, I could not walk anymore. Where do you want, you can take me. Okay, you can sit on my shoulder. When Radhika went to sit, Krishna disappeared. When they saw Krishna, Radhika in this same stage, they are lamenting, their sympathy come for Radhika. Then they told, we will not go to more to search Krishna deep forest. Then due to ourselves, Krishna will hide. Better we can go back to the bank of Jamuna. Why Maharaj explained very nicely. And they're reciting Gopi Git. And what happened? Krishna, when someone is calling Krishna's name, Krishna could not hide himself. What happened? E pitambara dharasak visakcha atman matha man matha. Whole world controlled by Cupid. Krishna appeared there in Cupid of Cupid, so beautiful form. And asked forgiveness, wrapping his cloth under his, around his neck and appeared there. And which type of gopis Almighty explained here? From here we'll go to Thadumandal. Tomorrow our bus program, tomorrow and day after tomorrow. Who has not registered yet? So please register your name in our registration booth. Jara ekhono apnader naam registration koren nai, notun esechen, sokole registration koriye niben. Arekta kotha mone rakhben, আমাদের প্রতিদিন মাধুর্য একাদমী গ্রন্থ আলোচনা হচ্ছে, আমরা অবশ্যই মাধুর্য একাদমী গ্রন্থ সংগ্রহ করবেন এবং পড়বেন। মাধুর্য একাদমী গ্রন্থ উইল কালেক্ট অ্যান্ড রিড অল দ্য বেঙ্গলি নট, ইউ ক্যান রিড হিন্দি অ্যান্ড ইংলিশ, বোথ ইজ অ্যাভেলেবল ইন আওয়ার বুক টেবিল। হরে কৃষ্ণ। খোল করতাল উঠিয়ে নিন, মাইক খোল করতাল, মৃদঙ্গ ঝম্পা উঠিয়ে নিন, চলুন জোরে উলি দিন, চলুন গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। Thank you.
তোমাকে চিকিৎসা করে ¿Qué? 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 ¿Qué?